तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से बिहार में ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है, ये वीडियो लंबी इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल से ही बिहार में ऑनलाइन राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट को रिसाइज, कंप्रेस और एडिट कैसे कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। सो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक कीबोर्ड ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। आपको प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है जीबोर्ड, और जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा उसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। वैसे कुछ फ़ोन में जीबोर्ड ऐप पहले से इंस्टॉल होता है। अगर आपके फ़ोन में जीबोर्ड ऐप पहले से इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपके फ़ोन में जीबोर्ड ऐप इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, उसे आपको इंस्टॉल करके अपने फ़ोन में सेव कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में जीबोर्ड ऐप पहले से इंस्टॉल है तो इसे आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में आकर यहाँ पर आपको टाइप करना है बिहार EPDS, और जो सबसे पहला रिजल्ट आएगा इसे आपको ओपन करना है। वैसे मैंने इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अप्लाई फॉर ऑनलाइन RC का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको लॉगिन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आपसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा। इसके लिए आपको टू रजिस्टर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम इंग्लिश में टाइप करना है, यानी कि जिसके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको उसी स्पेलिंग के साथ टाइप करना है जिस स्पेलिंग के साथ उनका नाम उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी एक नाम टाइप करता हूँ, रानी कुमारी, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में नाम को टाइप कर दिया है। इसी नाम को नीचे आपको हिंदी में टाइप करना है। अब नीचे में हिंदी में टाइप करने के लिए आपको करना क्या है कि जैसा कि अभी मैंने आपको जीबोर्ड ऐप को इंस्टॉल करवाया तो आपके सामने इस तरह का एक कीबोर्ड आ जाएगा, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको बैक आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ऐड कीबोर्ड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको सर्च बार में आना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है हिंदी। फिर आप सर्च करेंगे, आपके सामने हिंदी इंडिया का ऑप्शन आएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। फिर आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपको बैक करना है, फिर से आप बैक करेंगे। फिर से आप उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप पहले थे। अब यहाँ पर आपको इस नाम को हिंदी में टाइप करना है। हिंदी में टाइप करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको स्पेस वाले बटन पर होल्ड करना है। आपके सामने इस तरह का 2 कीबोर्ड आएगा, हिंदी और इंग्लिश का, तो आपको हिंदी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी नाम आप यहाँ पर हिंदी में लिखना चाहते हैं उस नाम को आपको यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रानी इंग्लिश में टाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर रानी हिंदी में लिखा आ गया है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से आपको आगे उसका नाम इंग्लिश में टाइप करना है, तो आप देख सकते हैं कि वो नाम यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो चुका है। आप चाहें तो ये नाम यहाँ पर बोल कर भी लिख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको एक माइक का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको बोलना है रानी कुमारी, तो आप देख सकते हैं कि जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये यहाँ पर लिखाता जा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो भी नाम हिंदी में टाइप करना है बस आपको उसे बोलना है, ये नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखाता जाएगा, ठीक है। अब आपको नीचे यहाँ पर कोई भी अपना एक ईमेल आईडी देना है, अपना एक मोबाइल नंबर देंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देकर नीचे आपको आना है, इस कैप्चा कोड को देकर गेट OTP पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके इस रजिस्टर नंबर पर एक OTP जाएगा, उसके बाद उस OTP को यहाँ पर आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का यानी कि जिसका नाम अभी आपने यहाँ पर दिया था उसका आधार कार्ड नंबर देना है। यहाँ पर स्टेट पहले से बिहार सेलेक्टेड होगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना है। ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड के पीछे जो पिन कोड लिखा हुआ है उसी पिन कोड को यहाँ पर आपको देना है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड 8 कैरेक्टर का क्रिएट कर लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा कंफर्म करेंगे। फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आपके रजिस्टर नंबर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
इस तरह का एक मैसेज आएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी और आपका पासवर्ड लिखा होगा। इसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। ऊपर में आपको अपना लॉगिन आईडी देना है, नीचे पासवर्ड देंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, इसे आपको इस तरीके से जूम करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर न्यू अप्लाई पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपके सामने रूरल और अर्बन पूछा जाएगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल सेलेक्ट करना है, अगर आप शहर में रहते हैं तो यहाँ पर आपको अर्बन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बारी बारी से ध्यान से भरना है। तो यहाँ पर आपका जिला और क्षेत्र पहले से सिलेक्टेड होगा, यहाँ पर आप अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका अनुमंडल है यहाँ से आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आपको नगर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका नगर होगा उसकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी, उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका वार्ड नंबर है यहाँ से आपको उस वार्ड नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको राशन कार्ड के आवेदक का विवरण देना है, यानी कि जिसके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं उस महिला का कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको देना है। उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको उसके पति या पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है, फिर उसी नाम को यहाँ पर आपको हिंदी में टाइप करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि यहाँ पर आपको हिंदी में कैसे टाइप करना है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको हिंदी में नाम को टाइप करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको पूरा आवासीय पता उनका देना है, यानी कि जैसा एड्रेस इनके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है ठीक उसी स्पेलिंग के साथ आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिंक सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको महिला सेलेक्ट करना है, फिर आप यहाँ पर अपना जन्मतिथि देंगे, यानी कि महिला का जो भी जन्मतिथि उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है उस जन्मतिथि को आपको यहाँ से इस कैलेंडर से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये उम्र ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको वैवाहिक स्थिति बताना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर वो शादीशुदा है तो यहाँ पर आपको विवाहित सेलेक्ट करना है, अगर वो अनमैरिड है तो यहाँ पर आपको अविवाहित सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कार्डधारी से संबंध में सेलेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको स्वयं सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर में ही आपको स्वयं मिल जाएगा, इसे आप सेलेक्ट करेंगे। जाति श्रेणी में आएंगे, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर आप अनुसूचित जाति यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आते हैं, ओबीसी हैं, तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल हैं तो आपको 4 नंबर में सामान्य वर्ग को सेलेक्ट करना है। ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर ओबीसी 1 या ओबीसी 2 को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट नंबर को देना होगा और कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड भी करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर ओबीसी को सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझसे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर दे देना है। फिर यहाँ पर आएंगे, व्यवसाय में आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना है, अगर आप यहाँ पर कोई व्यवसाय करते हैं तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आपको गृहिणी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, चूँकि हम महिला के नाम से राशन कार्ड अप्लाई करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको गृहिणी ही सेलेक्ट करना है। आय का स्रोत में आप यहाँ पर कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, या अन्य स्रोत लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मासिक आय में 0 लिखना है, चूँकि महिला गृहिणी है, चूँकि महिला काम नहीं करती है, तो यहाँ पर आपको उसके आय में आपको 0 सिर्फ लिख देना है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको आय सर्टिफिकेट यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर पहले से आ जाएगा, यहाँ पर आपको विकलांगता में 9 सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का डिटेल देना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिस भी बैंक में महिला का खाता है उस बैंक के नाम को यहाँ से आपको सर्च करके सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको बैंक शाखा का नाम बताना है, सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जिस भी ब्रांच में उनका बैंक खाता है उस ब्रांच नेम को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके ब्रांच नेम का नाम यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर आपको अदर को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो मैन्युअली बैंक शाखा का नाम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का IFSC कोड देना है। ध्यान रखें कि ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल बारीकी से देना है, यहाँ पर गलत कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको महिला के बैंक खाता का संख्या देना है, बैंक अकाउंट का नंबर देंगे। उसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस का मैसेज आएगा, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी भी आ गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट करके अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर को ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर गलती से लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको फिर से अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर लॉगिन कर जाना है।
अब यहाँ पर हमें फैमिली मेंबर को ऐड करना है। फैमिली मेंबर को ऐड करने के लिए फिर से आप इसे इस तरीके से जूम करेंगे, यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने तीन ऑप्शन आएगा, न्यू अप्लाई, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और एडिट एप्लीकेशन का। तो यहाँ पर आपको एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये चार ऑप्शन खुलकर आएगा, एप्लीकेंट, मेंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट और फाइनल सबमिट का। यहाँ पर आपको मेंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से उसी तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसे अभी आपने यहाँ पर फिल किया था। यहाँ पर जिला, क्षेत्र, अनुमंडल, नगर और वार्ड नंबर पहले से सिलेक्टेड होगा। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको उस फैमिली मेंबर की डिटेल को देना है जिसे आप अपने राशन कार्ड में ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले उसका नाम इंग्लिश में टाइप करना है। ध्यान रखें कि उनका नाम इंग्लिश में उसी स्पेलिंग के साथ टाइप करें जिस स्पेलिंग के साथ उनका नाम उनके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इधर आएंगे, यहाँ पर आपको उनका नाम हिंदी में टाइप करना है। मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया कि हिंदी में नाम यहाँ पर आपको कैसे टाइप करना है। इधर आएंगे, यहाँ पर आपको उनके पति या पिता का नाम इंग्लिश में टाइप करना है। इसी नाम को यहाँ पर आपको हिंदी में दोबारा से टाइप करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको लिंग सेलेक्ट करना है। क्लिक करेंगे, अगर वो पुरुष है तो पुरुष सेलेक्ट करेंगे, अगर वो महिला है तो यहाँ पर महिला आपको सेलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, एक कैलेंडर ओपन होगा। इस कैलेंडर से आपको उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको उनका वैवाहिक स्थिति बताना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, अगर वो शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपको विवाहित सेलेक्ट करना है। अगर वो कुंवारे हैं तो यहाँ पर आपको अविवाहित सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप इधर आएंगे, यहाँ पर आपको कार्डधारी से संबंध को बताना है कि यानी कि जिनका डिटेल आप यहाँ पर देने जा रहे हैं वो कार्डधारी से क्या संबंध रखते हैं। अगर वो बेटा है तो यहाँ पर आपको बेटा सेलेक्ट करना है। अगर वो बहू है तो यहाँ पर आपको बहू सेलेक्ट करना है। अगर वो भाभी है तो यहाँ पर आपको भाभी सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सभी रिलेशन मिल जाएंगे जो भी रिलेशन वो एप्लीकेंट से यानी कि कार्डधारी से संबंध रखते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि ये बेटा है तो मैं यहाँ पर बेटा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको इधर आना है, यहाँ पर आपको इनका आधार नंबर देना है। फिर यहाँ पर आपको इनका मोबाइल नंबर देना है। आप चाहें तो सभी में मोबाइल नंबर एक ही दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको इनका व्यवसाय बताना है कि ये क्या करते हैं। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, जो भी वो काम करते हैं उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अगर वो सरकारी नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, खेतीहार है, किसान है या गृहिणी है या मजदूर हैं, गैर सरकारी नौकरी है, जो भी वो काम करते हैं उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल जिसका मैं यहाँ पर नाम ऐड करने जा रहा हूँ वो बेरोजगार है तो मैं यहाँ पर बेरोजगार सेलेक्ट करूँगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको इसका आय स्रोत बताना है। अगर ये कोई काम करते हैं तो ये इनका आय स्रोत क्या है उसे आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप किया है बेरोजगार तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हिंदी में कुछ नहीं लिखना है। इसी तरीके से जो भी इसका आय स्रोत है उसे आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ आएंगे, यहाँ पर आपको इनका मासिक आय बताना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बेरोजगार सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर इसका मासिक आय बिल्कुल जीरो दूंगा। ठीक है, जीरो देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है, यहाँ पर आपको विकलांगता बताना है। अगर ये विकलांग है तो आपको यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है, अगर विकलांग नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट करना है। ये सारी डिटेल देने के बाद अब आपको यहाँ पर ऐड मेंबर पर क्लिक करना है। ऐड मेंबर पर क्लिक करते ही आपके सामने सक्सेस का मैसेज आएगा, मेंबर एडेड सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से आपको सभी फैमिली मेंबर को ऐड कर लेना है जिसका नाम आप अपने राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पर व्यवसाय में बेरोजगार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आय स्रोत में आपको कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हिंदी में बस आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिख देना है। उसके बाद मासिक आय में आपको जीरो लिखना है। अगर आप यहाँ पर व्यवसाय में कुछ और लिखते हैं जैसे कि गैर सरकारी या मजदूर या श्रमिक, कुछ भी अगर आप यहाँ पर लिखते हैं या स्वरोजगार लिखते हैं तो यहाँ पर आपको आय स्रोत में उसका नाम लिखना है जो वो काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर मासिक आय में आपको 10,000 से कम ही लिखना है। अगर आप मासिक आय में 10,000 से ज़्यादा लिखते हैं तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड अप्रूव नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मासिक आय में आपको 10,000 से कम ही रुपया टाइप करना है। उसके बाद आप यहां पर ऐड मेंबर पर क्लिक करेंगे। ऐड मेंबर पर क्लिक करते ही सभी फैमिली मेंबर यहां पर नीचे बारी बारी से ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी फैमिली मेंबर को यहां पर ऐड कर लेना है। तो मैंने यहां पर सभी फैमिली मेंबर का नाम ऐड कर दिया है जिसका नाम मैं राशन कार्ड में रखना चाहता हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इसे स्क्रॉल करके किसी भी फैमिली मेंबर के नाम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या आप चाहें तो उनके डिटेल को अपडेट या चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी फैमिली मेंबर के नाम को या उसके डिटेल को ऐड या अपडेट करना चाहते हैं
तो आपको उसके नाम के आगे यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है। आपके सामने फिर से एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो भी डिटेल को आप अपडेट यहाँ से करना चाहते हैं उसे आपको अपडेट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपडेट मेंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस पार्टिकुलर फैमिली मेंबर की डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, यानी कि उनका डिटेल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से आप इस तरीके से इसे जूम करेंगे और यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर से आप यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चार ऑप्शन खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज आएगा। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी लिस्ट आपको नीचे दिख जाएगी। सबसे पहले आपको सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड का फोटोकॉपी निकालना है और सबके आधार कार्ड के फोटोकॉपी के नीचे सबका सिग्नेचर आपको बारी बारी से लेकर रख लेना है, क्योंकि सभी का आधार कार्ड यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको महिला के बैंक पासबुक के फ्रंट पेज का फोटोकॉपी आपको निकालना है और उसके नीचे महिला का सिग्नेचर या उनके अंगूठे का निशान आपको ले लेना है। ध्यान रखें कि उनके बैंक पासबुक का फ्रंट पेज पर उनका बैंक अकाउंट और IFSC कोड नंबर नज़र आना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर थर्ड वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर महिला का आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा। अगर आपने महिला के नाम से जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है तो इस पर मैंने डिटेल वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसे मैंने आपको बताया है कि आप बिहार में जाति, आवासीय और आय राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं। तो आप चाहें तो हमारी उस वीडियो को आई बटन से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ध्यान रखें कि यहाँ पर जाति, आवासीय और आय सिर्फ महिला के नाम से ही आपको बनाना है और बस आपको महिला के नाम से ही जाति, आवासीय और आय यहाँ पर अपलोड करना है। फैमिली मेंबर के नाम से आपको जाति, आवासीय और आय नहीं बनाना है, सिर्फ महिला के नाम से ही आपको जाति, आवासीय और आय बनाना है। तो इसे आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको सभी फैमिली मेंबर को एक जगह खड़ा करके आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच लेना है और उसे अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है, क्योंकि उसे भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको महिला का सिग्नेचर भी अपलोड करना है। महिला अगर हस्ताक्षर नहीं करती है तो आप उनके अंगूठे का निशान का फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप विकलांग हैं, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसे आप यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं हैं तो यहाँ पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिला के नाम से यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, तो इन दोनों को आपको यहाँ पर चेक कर देना है। उसके बाद ऊपर आना है, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको फैमिली फ़ोटो को अपलोड करना है। ध्यान रखें कि फैमिली फ़ोटो 100 KB से कम फाइल साइज़ का होना चाहिए और वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने अपने फैमिली फ़ोटो को रख रखा है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आपका वो फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको महिला का सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर महिला सिग्नेचर नहीं करती है तो उनके अंगूठे का निशान भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वो भी JPG में होना चाहिए और उसका फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट को कैसे रिसाइज करते हैं, कैसे कंप्रेस करते हैं, कैसे एक PDF में मर्ज करते हैं, वो मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया है। इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए उसी तरीके से आपको यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ पर आपने सिग्नेचर को रख रखा है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, वो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट यहाँ पर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 1 MB से कम फाइल साइज़ का होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में महिला का बैंक पासबुक का फ़ोटो होगा, महिला का आवासीय प्रमाण पत्र होगा और सभी फैमिली मेंबर का आधार कार्ड का फोटोकॉपी होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको एक PDF में कर लेना है, उसे मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है ये मैंने आपको आगे बताया है, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहें, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने उस फाइल को सेव करके रखा होगा उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। इनकम डॉक्यूमेंट भी PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका फाइल साइज़ भी 1 MB से कम होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने उनका इनकम डॉक्यूमेंट कंप्रेस या रिसाइज करके रखा होगा उसे आप सेलेक्ट करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको उनका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, वो भी 1 MB से कम होना चाहिए और PDF में होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने उनका कास्ट सर्टिफिकेट रखा होगा उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको इतना कुछ करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपको यहाँ पर गो फॉर फाइनल सबमिशन का एक बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको फाइनल सबमिट पेज पर ले जाएगा। उसके बाद आपके सामने फाइनल सबमिट का पेज आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पर आपको अपने सभी डिटेल को बारीकी से बारी बारी से चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दिया तो आप अपने इन सभी डिटेल को बाद में कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर किसी का डिटेल गलत दे दिया है, किसी का आधार कार्ड नंबर गलत दे दिया है, किसी का एज आपने यहाँ पर गलत दे दिया है, तो उसे आपको पहले चेंज कर लेना है, पहले अपडेट कर लेना है, तभी आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। चेंज कैसे करते हैं ये मैंने अभी आपको बताया था। इसके लिए आपको इसे जूम करना है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे, एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको मेंबर पर क्लिक करके अपने सभी फैमिली मेंबर के डिटेल को चेक करके अपडेट करके चेंज कर लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। चेंज करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनल सबमिट का एक बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके भी आप इस फाइनल सबमिशन के पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको सभी डिटेल को एक बार फिर से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछा जा रहा है, तो इन सभी सवाल का आपको जवाब नहीं नहीं में देना है। बस आपको यहाँ पर नहीं नहीं को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि अगर आप हाँ को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका राशन कार्ड अप्रूव नहीं होता है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक घोषणा पत्र मिलेगा, तो इसे आपको पहले ओके करना है। फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा। ठीक है, तो अगर आप 100% कन्फर्म है कि यहाँ पर आपने बिल्कुल सही सही डिटेल दिया है, तब आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक वार्निंग आएगा, क्या फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या नहीं, तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने सक्सेस का मैसेज आएगा, एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपका ये रिसिप्ट के तौर पर आप चाहें तो इसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आपकी सभी डिटेल होगी और आपने जो भी डिटेल यहाँ पर दिया है वो सारे फैमिली मेंबर होंगे। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा है, इसे आपको प्रिंट आउट करके अपने पास सेव करके रख लेना है। बाद में आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा। एप्लीकेशन स्टेटस चेक करने के लिए आपको करना क्या है कि फिर से आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना है, उसी पासवर्ड से, उसी लॉगिन आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। और ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का स्टेटस बता दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को सबमिट किया है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन SDO से अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर में ही आपका राशन कार्ड बन जाएगा। फिर आप चाहें तो अपने राशन कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करके राशन उठाना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आप अपने मोबाइल से ही डॉक्यूमेंट को रिसाइज, कंप्रेस और एडिट कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। इस ऐप का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसे आप ओपन करेंगे, उसके बाद इसके सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। आपके सामने कुछ इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक गैलरी का, दूसरा कैमरे का। तो आपको यहाँ पर कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। आपके सामने एक कैमरा ओपन होगा, इस कैमरे से आपको बारी बारी से अपने सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। सबसे पहले आपको जाति प्रमाण पत्र को स्कैन करना है, इस तरीके से आपको रखना है और यहाँ पर आपको कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। कुछ सेकेंड वेट करेंगे, ये आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है। आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दूसरा डॉक्यूमेंट लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर अब निवास प्रमाण पत्र को ले लेते हैं। इस तरीके से आप रखेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्लिक पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को एडजस्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर दूसरे डॉक्यूमेंट को लेना है, तो चलिए हम यहाँ पर अब आय प्रमाण पत्र को ले लेते हैं। इस तरीके से आपको रखना है। फिर आप यहाँ पर कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकेंड वेट करेंगे, फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपको अपना दूसरा डॉक्यूमेंट लेना है। अब आपको
यहाँ पर आधार कार्ड लेना है तो हम यहाँ पर पहले महिला का आधार कार्ड ले लेते हैं। फिर आप यहाँ पर कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको सभी फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड को यहाँ से स्कैन कर लेना है जिसका नाम आप राशन कार्ड में जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक आधार को स्कैन कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सभी आधार कार्ड को इसी तरीके से स्कैन कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर महिला के बैंक पासबुक के फ्रंट पेज का फोटो का स्कैन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसे क्लिक करना है, आपको वेट करना है। तो यहाँ पर स्कैन हो चुका है, डॉक्यूमेंट को आप चाहें तो यहाँ पर रिसाइज कर सकते हैं, वैसे ये ऑटो ही एडजस्ट हो जाता है। फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के बाद यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे जिसे अभी आपने यहाँ पर स्कैन किया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि बैक पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आएगा, ऊपर में ही आपको वो डॉक्यूमेंट दिख जाएगा जिसे अभी अभी आपने यहाँ पर स्कैन किया है। तो सबसे ऊपर वाले डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके वो सारे डॉक्यूमेंट होंगे जिसे अभी अभी आपने यहाँ पर स्कैन किया था। यहाँ पर भी आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक कैमरे का आइकन, दूसरा गैलरी का। तो अब आपको यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से अपनी फैमिली ग्रुप फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक फैमिली ग्रुप फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको डन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका फैमिली ग्रुप का फोटो यहाँ पर आ जाएगा। इसे आपको इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। ठीक है, क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके फोटो का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है, तो अपने फोटो के कलर को वापस से ओरिजिनल कलर में लाने के लिए आपको यहाँ पर कलर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ओरिजिनल पर क्लिक करना है, आपके फोटो का कलर यहाँ पर ओरिजिनल हो जाएगा। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप ओके पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये फोटो यहाँ पर सेव हो चुका है। अब आपको बैक पर क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली ग्रुप का फोटो भी यहाँ पर आ चुका है। इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर एप्लीकेंट का सिग्नेचर ऐड करना है। फिर से आप यहाँ पर गैलरी वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने महिला के सिग्नेचर को रख रखा है उसे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर सिग्नेचर एक रख रखा है, उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आप यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर उनका सिग्नेचर आ जाएगा, तो आपको उनके सिग्नेचर को इस तरीके से क्रॉप कर लेना है। पहले आपको इसे रोटेट करना है, तो चलिए हम इसे रोटेट कर लेते हैं। फिर आप इसे इस तरीके से यहाँ पर क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट का बटन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर का कलर भी चेंज हो गया है। तो सिग्नेचर के कलर को वापस से आपको ओरिजिनल में लाने के लिए कलर फिल्टर पर क्लिक करना है। फिर आप ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर कलर ओरिजिनल हो जाएगा। फिर से आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर से आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर बैक पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सिग्नेचर भी आ चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट को सबसे पहले सेट करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे ऊपर में आपको सभी फैमिली मेम्बर के आधार कार्ड को रखना है। उसके बाद आपको महिला के बैंक पासबुक के फ्रंट पेज का फोटोकॉपी रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको महिला का आवासीय प्रमाण पत्र रखना है। उसके बाद आपको महिला का आय और जाति प्रमाण पत्र को रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसे सेट कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि सभी का आधार कार्ड आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। होल्ड करेंगे, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सभी के आधार कार्ड को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको महिला के बैंक पासबुक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको महिला के आवासीय प्रमाण पत्र को सेलेक्ट करना है। बस इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है कि ऊपर आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको PDF और JPG का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आप चाहें तो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसे कंप्रेस करना है। आप देख सकते हैं कि अभी इस डॉक्यूमेंट का फाइल साइज 1.9 MB है, यानी कि लगभग 2 MB का ये फाइल साइज है। तो इसे हमें कंप्रेस करना होगा। यहाँ पर आपको कंप्रेस करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह का ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि इसे आपको हाई से पहले गुड पर ले जाना है। फिर आप यहाँ पर कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। जब तक ये कंप्रेस हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि अब इस डॉक्यूमेंट का साइज़ 1.58 MB का हो गया है। तो अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा है, हमें 1 MB से कम इसे करना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो इसे और कम करने के लिए इसे आपको और लो पर ले जाना है, बिल्कुल आपको लो पर ले जाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस होना शुरू हो गया है। आप यहाँ पर वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट 1 MB से कम फाइल साइज में आ गया है। अब इस डॉक्यूमेंट का फाइल साइज
835 KB हो गया है, यानी कि अब ये बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो इसे स्क्रॉल करके इसके क्वालिटी को देख सकते हैं, ये क्वालिटी बिल्कुल अच्छी है। इस क्वालिटी में आपका राशन कार्ड ज़रूर अप्रूव हो जाएगा। तो इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको सेव का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आएंगे, PDF और JPG। तो आपको अपने इस डॉक्यूमेंट को PDF में ही रखना है, तो इसे आपको PDF ही रहने देना है। यहाँ से आप चाहें तो अपने इस डॉक्यूमेंट को रीनेम भी कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप नाम इसे रखना चाहते हैं आप यहाँ पर इसके नाम को रख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अब आपको करना क्या है कि नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पर भी आप इसे सेव करना चाहते हैं उसे आप चाहें तो उस फोल्डर में इसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेते हैं। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं उस फोल्डर के नाम को यहाँ पर टाइप कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपका उस फोल्डर में सेव हो चुका है। कभी भी आप चाहें उस फोल्डर से आप अपने फाइल मैनेजर से उस डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं। अब आपको क्लोज पर क्लिक करना है। क्लोज पर क्लिक करने के बाद अब वापस से आप बैक आएंगे, तो हमने यहाँ पर महिला के बैंक पासबुक, आवासीय प्रमाण पत्र और महिला के आधार कार्ड के साथ साथ सभी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड को मर्ज कर लिया, कंप्रेस कर लिया और उसे 1 MB से कम फाइल साइज में सेट भी कर लिया। अब बात आती है महिला के जाति प्रमाण पत्र और उसके आय प्रमाण पत्र की। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ से आपको महिला के जाति प्रमाण पत्र को ढूंढना है। तो आप देख सकते हैं कि ये महिला का जाति प्रमाण पत्र ही है। अब आपको नीचे यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सेव ओनली दिस फाइल पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट को रीनेम करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम रखना चाहते हैं उस नाम को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल ये कास्ट सर्टिफिकेट है, तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा कास्ट सर्टिफिकेट। फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको सेव एज PDF ही रहने देना है, JPG नहीं करना है, चूँकि हमें इस फाइल को PDF में ही रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का साइज 447 KB है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जाति प्रमाण पत्र का फाइल साइज 1 MB से कम होना चाहिए, तो चूंकि ये पहले से ही कम है तो इसे हमें कंप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसे सिर्फ सेव करना है। नीचे आपको इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप उसी फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर अभी आपने पहले वाले डॉक्यूमेंट को सेव किया था। फिर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, वो डॉक्यूमेंट भी उस फोल्डर में सेव हो जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब आपको वापस से बैक आना है। फिर से आप बैक आएंगे। अब आपको यहाँ पर महिला के आय प्रमाण पत्र को ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये महिला का आय प्रमाण पत्र है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है। फिर सेव ओनली दिस फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको इसे रीनेम करना है, तो चलिए हम इसे रीनेम कर लेते हैं। तो ये है इनकम डॉक्यूमेंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनकम। फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। उसी तरीके से इसे आपको PDF में रहने देना है। आप देख सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट का भी फाइल साइज 1 MB से कम है। इसका साइज है 371 KB, तो हमें 1 MB से कम ही रखना था, तो ये 1 MB से कम है। अब आपको इसे सेव करना है। नीचे आपको आना है, इंटरनल स्टोरेज को सेलेक्ट करना है। उसी तरीके से आप इसे उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पर आपने बाकी के डॉक्यूमेंट को सेव किया है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट भी उस फोल्डर में सेव हो जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे। अब आपको बैक आना है। फिर से बैक आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आपने किसी फैमिली मेंबर के आधार कार्ड के नीचे उसका सिग्नेचर नहीं लिया है, लेना भूल गए हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से भी उनके डॉक्यूमेंट के नीचे यानी कि उनके आधार कार्ड के नीचे सिग्नेचर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मैंने इस फैमिली मेंबर के आधार कार्ड के नीचे इनका सिग्नेचर नहीं लिया है। तो इसके सिग्नेचर को ऐड करने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप यहाँ पर लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको सिग्नेचर का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ पर सिग्नेचर को डायरेक्ट स्कैन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी गैलरी से भी सिग्नेचर को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर गैलरी से सिग्नेचर को निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे गैलरी में उनका सिग्नेचर है। तो यहाँ पर आपको उस सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है जिसे आप यहाँ पर डालना चाहते हैं। फिर आप डन पर क्लिक करेंगे, वो सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। उसे आपको इस तरीके से क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आप कुछ सेकंड वेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है
और जहाँ पर आप इसे रखना चाहते हैं बस आपको इसे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है। आप चाहें तो इसे डार्क भी कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, ये सिग्नेचर इस डॉक्यूमेंट पर सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आपके जिस भी डॉक्यूमेंट में आपने सिग्नेचर लेना भूल गए हैं आप अपने सिग्नेचर को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब फैमिली ग्रुप फोटो को कंप्रेस करने के लिए फैमिली ग्रुप फोटो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, फिर आप लास्ट एडिटेड डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे, फिर आप यहाँ पर क्रॉप रोटेट को सेलेक्ट करेंगे, जिस तरीके से आप अपने फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर क्रॉप करेंगे, फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ सेकेंड वेट करेंगे, फिर आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, यहाँ पर वेट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर सेव ओनली दिस फाइल पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का फिर से पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको इसे JPG ही सेलेक्ट रहने देना है। सबसे पहले आपको इसे रीनेम करना है, रीनेम वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इसे जो भी नाम रखना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ फैमिली फ़ोटो, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी इस फोटो का फाइल साइज 123 KB है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फैमिली फ़ोटो का फाइल साइज 100 KB से कम होना चाहिए, तो इसे हमें कंप्रेस करना पड़ेगा। तो कंप्रेस करने के लिए यहाँ पर आपको कंप्रेस नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको उसी तरीके से इसे कंप्रेस करना है, हाई से आप इसे गुड पर ले जाएंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, ये कंप्रेस होगा। तो देख सकते हैं कि अभी ये 106 पर आया है, तो इसे हमें और भी कम करना होगा, तो इसे हम और कम कर देते हैं, फिर आप वेट करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये पूरी तरह से कम हो चुका है। फिर आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है, फिर से आप इसे उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहां पर आपने बाकी के डॉक्यूमेंट को सेव किया है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट भी वहां पर सेव हो जाएगा। क्लोज पर क्लिक करेंगे, अब बारी आती है सिग्नेचर की, तो आपको बैक आना है, यहां पर आपको सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है, उसी तरीके से यहां पर आपको सेव पर क्लिक करना है, फिर आप यहां पर सेव ओनली दिस फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर आपको JPG ही रहने देना है। सबसे पहले आप इसे रीनेम करेंगे, रीनेम पर क्लिक करेंगे, ये चूंकि सिग्नेचर है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिग्नेचर, ठीक है। तो सिग्नेचर लिखने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है, फिर आपको इसे JPG ही रहने देना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सिग्नेचर का फाइल साइज 42 KB है, तो चूंकि हमें 100 KB से कम चाहिए था तो ये 100 KB से कम ही है, तो आपको इसे इसी तरीके से रहने देना है। फिर से आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज पर क्लिक करना है, आप इसे उसी फोल्डर में सेव करेंगे जहाँ पर आपने बाकी के डॉक्यूमेंट को सेव किया है, फिर आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट भी वहाँ पर सेव हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आपका फैमिली मेम्बर बहुत बड़ा है, यहाँ पर बहुत सारे आधार कार्ड के फोटो कॉपी हो गए हैं और उसे आप यहाँ से कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसका फाइल साइज़ आप 1 MB से कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि सिंपली उसी तरीके से आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर आप PDF या JPG पर क्लिक करेंगे, फिर से इस तरह का पेज आएगा, कंप्रेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको हाई से पहले लो पर ले जाना है। लो पर ले जाने के बाद यहाँ पर आपको वेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि अभी इसका साइज़ 5 MB का था, ये कंप्रेस होकर कितना आता है हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कंप्रेस होकर 1.53 MB में आ गया है, यानी कि अभी भी ये 1 MB से कम नहीं हुआ है। तो अब इसे और भी कम करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसे लो से आपको गुड पर ले जाना है, फिर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिखेगा हाई कंप्रेशन का, तो हाई कंप्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है, आपका ये डॉक्यूमेंट इतना कम हो जाएगा जितना आप चाह रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 2 MB आ गया है, फिर मैं यहाँ पर हाई कंप्रेशन पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको वेट करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट 544 KB पर आ गया है। तो इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर कितना भी फाइल साइज आपका क्यों ना हो, आप उसे 1 MB पर बिल्कुल भी कर सकते हैं।